किसान भाइयों, रबी के मौसम में गेहूं एक प्रमुख फसल है जो कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बोई जाती है और किसान भाई इसका उत्पादन लेते हैं। उत्पादन के साथ साथ इसका उपभोग भी अधिक किया जाता है और एक्सपोर्ट भी अधिक किया जाता है। गेहूं के स्वस्थ और अच्छे उत्पादन के लिए इसका टीकाकरण या बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको गेहूं में बीज उपचार करने का तरीका कि व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार आप बीज उपचार करके अपने गेहूं की फसल को स्वस्थ और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में उसको कीटों से रोगों से बचा सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है अपन को किसान भाइयों को, अगर हम घर का बीज उपयोग में ला रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, उसकी जो ग्रेडिंग है उसको छान लें, ग्रेडिंग कर लें, और बुवाई से पहले मतलब जिस दिन है बुवाई करनी है उसके एक दिन पहले उसको अच्छी धूप दिखाएं, अच्छे तेज धूप में 3 से 4-5 घंटे उसको डाल के रखें। अगर अगले दिन बुवाई करनी है तो सुबह से शाम तक कर दें, या फिर अगर शाम को बुवाई करेंगे तो बेटर है सुबह से उसको धूप में डाल दें, दोपहर तक उसको खुला रहने दें, उसके बाद उसको ला के छाँव में ला के फिर बीज उपचार करें, फिर उसका बुवाई करें। इस तरीके से किसान भाई इस विधि को अपनाएंगे तो निश्चित ही पारंपरिक अवस्था में जो समस्या होती है कीटों की रोगों की उससे निजात पाएंगे, साथ ही साथ जो उत्पादन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो हमारी जो अनावश्यक जो लागत लग जाती है कीटों के प्रबंधन में, रोगों के प्रबंधन में, उससे भी कम किया जा सकता है। गेहूं में बीज उपचार के लिए हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कहें या फिर 3 चीज़ों से। तो सबसे पहले हमें बीज उपचार के लिए एक फफूंदनाशी की आवश्यकता होती है। फफूंदनाशी में आप बीटावैक्स या जो अपन वेबस्टीन बोलते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं।